दोस्तों, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन कैसे खोती चली जा रही है, इसके उदाहरण, इसके सबूत दिन पर दिन सामने आते चले जा रहे हैं और लगातार सामने इससे पहले भी आए हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी हो। कुछ दर्शकों को अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है दोस्तों, क्योंकि हम इस वीडियो में बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया किस कदर होने जा रहा है। देखिए, आंध्र प्रदेश में भाजपा जो है जगन मोहन रेड्डी के ऐसा लग रहा था कि उनके ही आधार पर थोड़ी कोशिश कर रही है कि भाई वाईएसआर पार्टी को थोड़ा लुभाया जाए, उनको अपने में मिलाया जाए और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी अपनी सरकार होगी। हालांकि टीडीपी जो है, यानी दूसरे चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है दोस्तों, उसके साथ गठबंधन करने का और उसके साथ मेल मिलाप करने का भाजपा प्लान बना रही है। जगनमोहन रेड्डी के साथ जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी प्लान बना रहे हैं, मगर जगनमोहन रेड्डी कितनी मुश्किल में पड़ने वाले हैं ये मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। यानी भाजपा का आंध्र प्रदेश से भी पत्ता कट हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश की राजनीतिक सियासत में बेशक भाजपा का फिलहाल कोई रोल ना हो, लेकिन भाजपा जो भविष्य की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है, बनने से पहले ही वो किस कदर बिखर चुकी है दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी और आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं डिकनटाप। दोस्तों, इस वक्त आंध्र प्रदेश जो है एक वो राज्य बचा है जहां पर भाजपा को उम्मीद है कि भाई आंध्र प्रदेश जो है वो भी वो हाथ से कम नहीं जाएगा। भाजपा इस उम्मीद में है कि गठबंधन वाली ही सही, लेकिन सरकार बना लेंगे आंध्र प्रदेश में। तो अगर आंध्र प्रदेश में सरकार बन जाती है फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि दक्षिण में एक राज्य जो है उसके जरिए खाता खुल जाएगा बीजेपी का, क्योंकि अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो भाजपा का सफाया होता चला जा रहा है। और यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी बीते कई दिनों से दक्षिण भारत के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें तमिलनाडु हो, उसमें तेलंगाना हो, हालांकि तेलंगाना बहुत कम गए, आंध्र प्रदेश गए और केरल गए। बहुत सारी ऐसी जगह है दक्षिण की जहां पर वो इस वक्त घुमंत्रण कर रहे हैं। उसके पीछे की इकलौती वजह लोकसभा चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बंटाधार हो जाएगा अगर दक्षिण को नहीं लुभाया गया तो। उत्तर भारत में वोट परसेंटेज कम होने की संभावना है, सीटें कम होने की संभावना है, ऐसे में दक्षिण भारत में ही अपनी जमीन तैयार करनी पड़ेगी, वरना फिर जो 400 पार का आंकड़ा पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है और बड़ी बड़ी डींगे हांक दी गई है दोस्तों, वो पूरी नहीं होगी। इसलिए दक्षिण भारत में कुछ ना कुछ करके पैंतरा अपनाना पड़ेगा, वही पैंतरा बीजेपी इस वक्त फिलहाल अपना रही है, मगर वो कितना काम आएगा अब इस बात को समझिए। ये सवाल जो है इसका जवाब निकलता है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से, जिस पार्टी में फिलहाल इस्तीफों का दौर जारी है। और ये इस्तीफों का दौर तब से जारी है दोस्तों जब जगन मोहन रेड्डी की बहन बीते दिनों कांग्रेस में शामिल हो गई थी। शर्मिला जो है वो जब कांग्रेस में शामिल हुई उसी के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि उनकी जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस जो पार्टी है वो लगातार अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है दोस्तों। लगातार उसमें जितने सांसद हैं, जितने नेता हैं बड़े बड़े, उनका इस्तीफा फिलहाल जारी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक जगन मोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के वो और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक उनकी बहन है जो कांग्रेस में शामिल हो चुकी है दोस्तों। हाल ही में उनकी पार्टी से एक के बाद एक सांसद जो है छोड़कर जा रहे हैं। वाईएस शर्मिला उनकी बहन है जो कि कांग्रेस में शामिल हुई है, और जब से वो कांग्रेस में शामिल हुई है तब से लेकर अब तक देखा जा रहा है दोस्तों कि पार्टी को बहुत तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक और रिपोर्ट आ रही है जगन रेड्डी के विरोधी जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी बीजेपी से हाथ मिला सकती है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर बीजेपी जो है वो सरकार जो है बना लेती है दोस्तों, तो वाईएसआर का सूपड़ा जो है साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की भी कि चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलभगत करके और सारी चीजें हो रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी थोड़े समय पहले चंद्रबाबू नायडू जो है जेल गए थे और उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप जो है लगाए गए थे। उस पूरे मामले में वो जेल गए थे। आरोप यह भी लगाया गया कि प्रस्ताव रखा गया था उनके सामने बीजेपी से गठबंधन का, लेकिन माना नहीं उन्होंने और इसलिए उनको जेल की हवा खानी पड़ी। अब ऐसे में क्या एक
उस व्यक्ति को, बेशक वो कद्दावर नेता है, बहुत कद्दावर नेता है, आंध्र प्रदेश की राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो बेशक कद्दावर नेता है, उनकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उनके साथ गठबंधन किया भी तो क्या बीजेपी पर लांछन नहीं लगेगा? हालांकि लांछन से बीजेपी ने कभी खुद को किनारे नहीं किया दोस्तों, भले ही किसी दागी नेता को ही अपनी पार्टी में क्यों ना लेना हो, लेकिन उसके लिए भी दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। अब मैं कितनों के उदाहरण आपको दूं, आप भली भांति उस बात से परिचित हैं, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में खाता खुलना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों। वाईएसआर एक लौती ऐसी पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश की, जिसने आपको याद होगा संसद में सरकार का समर्थन किया था एक बिल को लेकर, उस पर बेशक कांग्रेस के तरफ से और कांग्रेस के जितने भी साथी थे और यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में मोदी सरकार का उन्होंने साथ दिया था। ऐसे में बीजेपी से उनके जो संबंध है वो भी ठीक ठाक बताए जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है आंध्र प्रदेश की राजनीति में। मगर उससे पहले, उससे सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस में गई जगनमोहन रेड्डी की बहन है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों। उनके जाने के बाद से ही लगातार पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है, जैसा एक खबर कहती है। कहती है एक खबर, देखिए कि मामला जो है उनके सांसदों के छोड़ने का है। राज्य के नरसराव पेट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं लावू श्रीकृष्ण देव रायलू, इन्होंने सोमवार को लोकसभा सांसद और पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। हाल के दिनों में सीट आवंटन को लेकर वाईएसआर सीपी छोड़ने वाले देव रायलू तीसरे सांसद हैं। इस महीने की शुरुआत में कुरनूल के सांसद संजीव कुमार और मछलीपट्टनम के सांसद वल्ल भनेनी बाला शोवरी ने पार्टी छोड़ दी थी। तो ये जो सांसद है दोस्तों, ये वरिष्ठ सांसद माने जाते हैं वाईएसआर कांग्रेस के, लावो श्रीकृष्ण देव रायलू, इन्होंने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि उन्हें गुंटूरू लोकसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है तो वो निराश हो गए थे, क्योंकि पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नरसराव पेट में एक पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला किया था। देवरायलू ने यह कहा कि नरसराव पेट जो है लोकसभा सीट के अंतर्गत वाईएसआरपी के सभी 7 विधायक यहां से दोबारा नामांकन के लिए मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के विचार अलग हैं। पार्टी द्वारा मुझे दूसरे इलाके में भेजा जा रहा है, निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह नहीं ली गई और अब मैं इसे जारी नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें गुंटूर सीट से चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जो सीट वो चाहते थे वो सीट उनको ना देकर किसी और उम्मीदवार को दे दी गई, इसलिए वो नाराज थे। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की, तो इन्होंने कम से कम 65 विधानसभा 15 लोकसभा क्षेत्रों में नए समन्वयक और प्रभारी नियुक्त किए हैं। ये समन्वयक और प्रभारी आगामी चुनावों में वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार होंगे। आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा और राज्य की 25 लोकसभा सीटों के लिए 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। इन चुनावों से पहले जगन के सामने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जगन की बहन वाईएस शर्मिला की नियुक्ति को बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष है वाईएस शर्मिला, दोस्तों वो अगर अपने भाई को चुनौती देंगी, जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे जगन मोहन रेड्डी पर और उनकी जो सरकार है वो जा सकती है। ये जो नाम है दोस्तों शर्मिला, इन्होंने जी जान लगाकर अपने भाई को जीत दिलाई थी किसी वक्त में। शर्मिला पहली बार 2012 में सुर्खियों में आई थी, तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उनके भाई जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में ही थे। राज्य में आंदोलन होता है और जोर पकड़ने के बीच उनके भाई जो है कांग्रेस से नाता तोड़ लेते हैं और अलग अपनी पार्टी का गठन करते हैं। उनके साथ 18 विधायक शामिल होते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद रेड्डी जो है जेल में थे, उनकी मां वाईएस विजयम्मा और बहन वाईएस शर्मिला ने अभियान का नेतृत्व किया था दोस्तों। वाईएसआरपी ने चुनावों में जीत हासिल की, 2013 में जगन रेड्डी के धनुष से निकला तीर बताया था और अपनी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए राज्य में 3,100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा भी उन्होंने निकाली थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जो हैं जगन मोहन रेड्डी, उनको
ऐसे वक्त में सहारा दिया जिस वक्त उनके साथ कोई नहीं था, उनके लिए प्रचार प्रसार करती नजर आई। अब वही बहन अगर उनके खिलाफ हैं तो ये कांग्रेस के लिए कितनी मजबूत स्थिति पैदा कर सकता है, भाजपा के लिए क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं, दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मजबूत स्थिति आंध्र प्रदेश में पैदा कर सकता है और एक और राज्य आने की संभावना है कांग्रेस के पास। तो दक्षिण में लगातार कांग्रेस पैर पसा रही है, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु में भी आप लगभग मान लीजिए कि अभी फिलहाल तो चलिए एमके स्टालिन की जो वहां पर सरकार है, लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे कांग्रेस जो है पैर पसार रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में अगर यही सब चलता रहा तो वहां पर भी कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी, देखने वाली बात होगी। दक्षिण में इस तरीके के प्रचार प्रसार से बीजेपी पर कितना असर पड़ता है, बीजेपी के पास जो संभावनाएं हैं दक्षिण में जीतने की वो भी बचती हैं या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।